तो गाइस, टेक्निकल इंजीनियर में आपका स्वागत है दोबारा से। तो लास्ट वीडियो में ये नहीं बोल पाया कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन मेहनत तो होती है ना, मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ मेरे को। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन का मेरा मोटो है, ये मेरा कैंपेन है, ताकि लोगों तक ये मैं पहुंचा सकूं कि गेट की प्रिपरेशन जो है इतना टफ़ नहीं होती है, और इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से की जा सकती है। तो आज हम जो करेंगे स्प्रिंग, और सेकेंड जो जो यूनिट करेंगे आज हम, वो करेंगे थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल वाला पार्ट, एनर्जी एंड थर्मल स्ट्रेस वाला करेंगे, दो सेक्शन उड़ा देंगे। अरे हल्का सा ही है, 10-10 7-7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, द फिगर शोज अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स, दे हैव स्टिफनेस के वन एंड के टू एज मार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफर स्टिफनेस टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस टू के टू। देखो, स्प्रिंग के केस में जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसा होता है उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, वो कैसे होता है क्या ये आप लोगों को जानना है, तो ये मैं बता सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसा कि चलो आपको बताते हैं सीरीज़ और पैरेलल के इक्वेशंस कैसे आती हैं, थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा और अच्छा भी है। इक्विवेलेंट के जो निकलता है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस जो निकलती है, वो कैसे निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एक स्प्रिंग की। ठीक है, तो जैसे कि सीरीज वाली स्प्रिंग देखते हैं, एक दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक लोड लग रहा है इस पे पी, ये है स्प्रिंग के वन के टू के थ्री, राइट, एट हो गया क्या, के वन के टू के थ्री। ठीक है, अब इसका टोटल डिफ्लेक्शन कितना निकलेगा, टोटल डिफ्लेक्शन कितना निकलेगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। ये लोड पी इस पे भी वही लगेगा, इस पे भी वही लगेगा, इस पे भी वही लगेगा, राइट। तो उसका क्या कर सकते हैं हम, या तो ये तीनों की अलग अलग स्प्रिंग लेके तीनों का डिफ्लेक्शन निकाल के ऐड कर सकते थे, वही किया है डेल्टा टोटल। तो डेल्टा टोटल कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया जिसका स्टिफनेस है के, ठीक है, के इक्विवेलेंट, और लोड इसमें भी पी लगा रहा हूँ मैं, और मैंने दोनों का डिफ्लेक्शन जो है इक्वेट कर दिया, इनसे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था वही इसके बराबर है, इसमें प्रोड्यूस होने वाले डिफ्लेक्शन के बराबर है, जो कि डेल्टा टोटल है, डेल्टा इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये डेल्टा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पी बाई के इक्विवेलेंट, राइट, पी बाई के, जैसा कि आपको पता है पी इक्वल्स टू के डेल्टा होता है, राइट, या के एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी बाय के वन प्लस पी बाय के टू प्लस पी बाय के थ्री। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, के थ्री उड़ा दो यार, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, पी 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 उड़ा दो, वन बाय के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, समझ आ गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में होता है तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ठीक है, इसमें उल्टा होता है। अब आते हैं पैरेलल की बात करते हैं, पी लग रहा है, ये दोनों कनेक्टेड है और इसमें पी फोर्स लग रहा है, वेट वेट मत कंसिडर करने लग जाना, वेट वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, के वन के टू, ठीक है, और एक और स्प्रिंग ली मैंने जिसमें कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा पी, और यह है डेल्टा इक्विवेलेंट जो कि देगा के इक्विवेलेंट, मतलब के इक्विवेलेंट से डेल्टा इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, पैरेलल लोड लग रहा है, मतलब दोनों पैरेलल में हैं, लोड लग रहा है पी, तो दोनों के केस में जो हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन जो होगा इक्वल हो जाएगा, इसमें भी डिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, इसमें भी डिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, राइट, तो डिफ्लेक्शन तीनों में इक्वल है, तो इसमें स्प्रिंग कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ, कोई बता सकता है कैसे निकलेगा, सॉरी अल्टीमेटली बताना तो मुझे ही है। ठीक है, इसमें क्या है, जब पी लोड लग रहा है दोनों में आधा आधा लोड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर में लग रहा है, मैं इसको सेंटर में लगा रहा हूँ, मतलब आधा लोड ये बियर करेगा, आधा लोड ये बियर करेगा। मैंने कहने का क्या मतलब था मेरा, कि दोनों का डिफ्लेक्शन सेम है तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है, जब आधा आधा लोड दोनों ने ट्रांसफ़र किया हो, या ठीक है जैसा भी है, चलो जैसा भी है, जितना भी लोड ट्रांसफ़र किया हो, पी वन पी टू किया हो, ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैंने बोला था डिफ्लेक्शन सेम होगा, तो के वन इंटू डेल्टा और पी टू के टू इंटू डेल्टा, राइट। ठीक है, और पी वन प्लस पी टू इक्वल्स टू पी है, राइट। अब इस पी से जो डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है वो कितना हो रहा है, के इक्विवेलेंट डेल्टा, और डेल्टा डेल्टा बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा, तो इन सबको ये पी क्या है, पी वन पी टू इनको ऐड कर दो, के वन डेल्टा प्लस के टू डेल्टा इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट डेल्टा। तो डेल्टा 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 उड़ गया, के इक्विवेलेंट कितना निकल गया पैरेलल में, के वन प्लस के टू, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें नेटवर्क जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका उल्टा है, पैरेलल में उसमें वन बाई के होता था, इसमें डायरेक्टली ऐड हो जाता है के। तो इसने हमको क्या पूछा है कि टू के वन के टू ये वाला किस में निकलेगा, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया है कैसे निकलता है पैरेलल में, कैसे निकलता है सीरीज में। तो अब इसने मेरे को हमको पूछा है कि ये वाला केस किस में लगेगा, तो ये साफ आपको आपको हर एक का निकालना पड़ेगा। ये के वन के टू के थ्री, मेरे को तो लग रहा है ये है, बी लग रहा है इसका, निकाल के देखें। देखो ये पैरेलल में है तो ये टू के वन हो जाएगा, ठीक है, टू के वन हो जाएगा, और टू के वन बाय, और ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ये पैरेलल सीरीज में थे ना, तो टू के वन और के टू सीरीज में हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वन बाई के इक्विवेलेंट विल बी इज इक्वल्स टू वन बाई टू के वन प्लस वन बाई के टू, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, टू के वन के टू अपॉन टू के वन प्लस के टू, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओहो सॉरी, ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि टू जो है वो के वन के साथ ही के टू के साथ है, मतलब इसका ऑप्शन है डी, मतलब ऊपर टू के टू हो जाएगा, टू के टू, ये नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्प्रिंग विद 20 एक्टिव टर्न्स अंडर अ लोड ऑफ इतना इज इतना। तो इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको कि शेयर स्ट्रेस जो होता है स्प्रिंग में वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डब्ल्यू डी बाई पाई डी क्यूब होता है, और के का वैल्यू क्या होता है, के का क्या होता है, जी इंटू स्मॉल स्मॉल डी टू द पावर 4 अपॉन 8 कैपिटल डी क्यूब एन। ये फॉर्मूले आपको टिप पे होने चाहिए सारे के सारे यार, ठीक है। जैसे कि मेरे को है, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ एक्टिव टर्न्स, एन इक्वल्स टू 20 दे रखा है, लोड दे रखा है 1000, इस डिफ्लेक्शन दे दिया हमको 10 mm। वन सेकेंड, द स्प्रिंग मेड इन टू टू पीसेस ऑफ ईच 10 एक्टिव कॉइल्स, ठीक है, दो स्प्रिंग में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, के वन के टू जो भी होगा, ठीक है, उसमें 10-10 एक्टिव कॉइल्स हैं, ठीक है, 10-10 एक्टिव कॉइल्स मेड कर दिया है। देन प्लेस्ड इन पैरेलल अंडर द सेम लोड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं है, ये वैल्यूज देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्प्रिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका के का वैल्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, के का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, के इज इक्वल्स टू जी डी टू द पावर 4/8 डी क्यूब एन, ठीक है। ये होता है कॉइल डायामीटर, ये होता है वायर डायामीटर, ये होता है शेयर मॉडुलस, ये होता है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, एक्टिव कॉइल्स या एक्टिव टर्न्स, ठीक है, बता दिया आपको मैंने। 8 का वैल्यू आपको पता है नंबर के होता है, के होता है हमारा स्टिफनेस, तो ये सब कांस्टेंट है। इसने क्या बोला, के हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन, तो अगर आप इसको आधा करोगे, इसको बाई टू करोगे, तो ये टू टाइम्स हो गया, टू पर आ जाएगा, तो के टू टाइम्स हो जाएगा, मतलब के अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक ही कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जैसे ये है स्प्रिंग है, इसका के है, इसको आपने बीच में दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो पता है इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, टू के, ठीक है, एन बाई टू करोगे ना, तो टू हो जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा, तो टू के हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, मैंने आपको बता दिया है के और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है, टू के हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, इसको हमने पैरेलल में लगाया अंडर द सेम लोड, पैरेलल में लगाया मतलब के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टू के प्लस टू के 4K, ठीक है, ये 4K निकल गया। अब उसने क्या बोला, डिफ्लेक्शन, पहले जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो कितना आ रहा था, जो फोर्स था, फोर्स लगाने पे पहले के था, तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा था, 10 mm, ठीक है। अब उतना ही फोर्स है, के इक्विवेलेंट क्या है, 4K, और x क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो कर दोगे, या k इंटू 10 इक्वल्स टू 4K इंटू एक्स, ये करोगे, के से k उड़ गया, तो ये क्या आ जाएगा, x 2.5 mm, ठीक है, यही आंसर है, समझ आ गया। अरे भाई हलवा क्वेश्चन है।
समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेइंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 kg, कंसिस्ट ऑफ अ 2 kg पैन रेस्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग पे 2 kg रेस्ट हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं वेट, जो वेट करने की मशीन होती है उसमें हमारे mg का फोर्स आता है या कोई और फोर्स आता है? मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारा वेट होता है ना उसका फोर्स नहीं आता, वो कोई और फोर्स होता है। तो आपको वो बताना है वो कौन सा फोर्स होता है और उसका रीज़न देना है क्यों, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इन दिस कंडीशन विद द पेन रेस्टिंग ऑन द स्प्रिंग, इन दिस कंडीशन द पेन रेस्टिंग ऑन द स्प्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इतना, लेंथ दे रखा है, व्हेन द मास इज इतना इज प्लेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, 200, व्हेन अ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन द पेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 100 kg। अ वेइंग मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 kg पैन रेस्टिंग ऑन अ स्प्रिंग, पहले 2 kg था तो उसकी लेंथ कितनी थी 200, जैसे ही हमने व्हेन अ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन द पैन तो 22 वेट हो गया, तो उसकी क्या हो गई, हमारी लेंथ बिकम्स 100 mm। फॉर द स्प्रिंग अंडर द डिफॉर्म लेंथ एल एंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के स्टिफनेस आर, ठीक है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एल मतलब उसका डिफ्लेक्शन है। सबसे पहले हमारी स्प्रिंग ऐसे रखी हुई है नॉर्मली, ठीक है, इसका लेंथ क्या हो गया L, राइट, कोई वेट नहीं रखा हमने। फिर हमने क्या किया, इस पर 2 kg का वेट रख दिया, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ, इसका डिफ्लेक्शन हो गया कितना था, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी लेंथ कितनी हो गई स्प्रिंग की 200 mm, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस, इसको 0.2 meter कर लो यार, मीटर के फॉर्म में ले लो, ठीक है। अब इसने क्या बोला, हमने एक और वेट रखा जो कि हो जाएगा कितना 22 g हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई हमारी 100 mm, तो ये क्या हो जाएगा बचा हुआ लेंथ L माइनस 0.1 meter, राइट, L माइनस 0.1 meter। अब उसने क्या बोला हमको, ओरिजिनल उसकी लेंथ L निकालनी है और अनडिफॉर्म लेंथ और K निकालना है, ठीक है, तो फोर्स इसका हम बेसिक करते हैं बिना किसी, यहाँ पे लोड कितना लग रहा है 2g, ठीक है, यहाँ पे 2g लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, K L माइनस 0.2 m, डिफ्लेक्शन कितना हुआ, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। और दूसरा क्या है, 22g इज इक्वल्स टू के एल माइनस 0.1 m, ठीक है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा 0.1 एल माइनस कम वैल्यू मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, और यहाँ ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोड कम लगा है, दोनों का रेशियो ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1/11 एल माइनस 0.2 अपॉन एल माइनस 0.1, एल माइनस 0.1 इज इक्वल्स टू 11 एल माइनस 0.2 इंटू 11 2.2, ये इधर आ जाएगा 10 L, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 2.1, L विल बी 210 mm, ठीक है। अब K निकालना है, L आ गया, K कैसे निकलेगा, 2g का वैल्यू क्या लिखना है अपने को, चलो 9.81 ही लेते हैं यार, K का L कितना आ गया 210 माइनस 200, ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 2, तो ये क्या हो जाएगा K आपका, ठीक है, 210 लेंथ आ गई और ये कितना था 200, तो 210 माइनस 200 2 डिवाइड बाय आंसर इनटू 9.81 ये आ गया 1, K कितना आ गया 1962 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, अरे आपने को तो कुछ दिखाई नहीं भैया, 1962, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, थर्ड का बी, राइट, ठीक है, लेंथ आ गई, K आ गया, ऐसे सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अरे बहुत ही हलवे प्रॉब्लम्स हैं यार। अ कंप्रेशन स्प्रिंग इज मेड ऑफ म्यूजिक वायर, अरे वहाँ हमारी स्प्रिंग यूज़ करते हैं म्यूजिक वायर में, गिटार विटार में, अरे कमेंट में बताइएगा जिसको गिटार बजाना आता हो, थोड़ा थोड़ा तो मेरे को भी आता है, स्ट्रमिंग तो कर ही लेता हूँ, ठीक है, बताना आप किस किस को आता है गिटार अच्छे से।
ओके तो आते हैं म्यूजिक वायर ऑफ 2 mm डायमीटर। वायर डायमीटर हमको दे रखा है 2 mm, हैविंग शेयर स्ट्रेंथ दे रखा है हमको, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ दे रखा है टाओ, जो मैंने बताया था AWD/πD³ जो होता है, ठीक है, और हमको जी दे दिया उसने 8 GPa, 80 GPa। द मेन कॉइल डायमीटर जो कैपिटल डी है वो दे दिया 20 mm, फ्री एंड लेंथ दे दी 40 mm जो उसका लेंथ था अनडिफॉर्म, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स इज 10th है। इफ़ द मीन कॉइल डायमीटर रिड्यूस टू 10, जो मीन कॉइल डायमीटर है, मीन कॉइल डायमीटर, ठीक है, कैपिटल डी रिड्यूस टू 10, जो 20 था उसको 10 कर दिया, द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी। अब डायरेक्टली हमको ये सब वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डी के साथ जो रिलेशनशिप है वो देख लो, ठीक है। तो डी के साथ के का स्टिफनेस बोला ना उसने, स्टिफनेस, तो स्टिफनेस का मैंने आपको बताया था जी स्मॉल डी 4/8D³n, ये होता है फॉर्मूला। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्या है, गे के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, ठीक है। अब इसने क्या बोला हमको कि डी को आधा कर दिया, तो आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो 8 times हो जाएगा, मतलब के हो जाएगा 8 times बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 8 times, ठीक है, आ जाएगा आंसर, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोले तो के बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, कॉइल डायमीटर पे करता है, मटेरियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, नम है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कॉइल डायमीटर पे करता है, मटीरियल स्ट्रेंथ, मटीरियल की स्ट्रेंथ पे नहीं करता है, ठीक है, बाकी सब पे करता है, मटीरियल स्ट्रेंथ पे कहाँ करता है, मटीरियल स्ट्रेंथ तो ई होती है, शेयर मॉडुलस थोड़ी ना, ठीक है, मटेरियल स्ट्रेंथ पे नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा शेयर मॉडुलस पे करता है, वो ई पे, ई होता है जो मटेरियल स्ट्रेंथ है वो ई है, उस पर डिपेंड, ई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मटेरियल स्ट्रेंथ। उसका आते हैं 6th क्वेश्चन पे। हेलिकल स्प्रिंग कंप्रेशन स्प्रिंग मेड ऑफ अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड, ठीक है, कंप्रेसिव लोड ही लगाया इस पे। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 24 MPa फॉर द सेम कंप्रेसिव लोड इफ बोथ द वायर, मेड ऑफ अ वायर, ठीक है, बोथ द वायर बोले तो ये बोथ द वायर डायमीटर, अच्छा बोथ द वायर डायमीटर एंड द मीन कॉइल डायमीटर डबल द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे कि शेयर स्ट्रेस, देखा स्प्रिंग के अगर क्वेश्चन आ गया ना तो हलवा है, 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दो, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है 8WD/πD³, ये वॉल फैक्टर होता है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे ये होता क्या है के डब्ल्यू 4C-1 4C-4 प्लस 0.615/C, यही होता है क्या, यही होता है, मेरे को याद तो ऐसा ही है। सी क्या होता है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है वैसे, वॉल फैक्टर मैं स्प्रिंग किस दिन पढ़ाऊंगा आपको तो इसको बता दूंगा इसका डिटेल, ये क्या होता है, वॉल फैक्टर क्यों इंड्यूस किया जाता है इसको, ठीक है, अभी इसका ज़रूरत नहीं है वैसे। तो इसने क्या बोला है हमको कि मीन कॉइल डायमीटर ये और ये दोनों को 2 times इंक्रीज कर दिया, टाओ न्यू विल बी इज इक्वल्स टू 2/8 1/4, ठीक है, तो इसको कितना वैल्यू दिया है उसने 24/4, तो ये क्या हो गया 6 MPa आ जाएगा इसका आंसर, राइट, यही इसका आंसर है 6 MPa टाउ न्यू। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ द वायर डायमीटर ऑफ अ कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज बाय दिस, वायर का डायमीटर, ठीक है, स्मॉल डी को 2% इंक्रीज कर दिया, द चेंज इन स्प्रिंग स्टिफनेस, यार ये बताना पड़ेगा, कितना आसान है, स्प्रिंग स्टिफनेस कितना हो जाएगा 1.02 to the power 4 - 1 8.24% बढ़ जाएगा, ठीक है, 243%, एक नंबर का है, इतना ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं थी इसको। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा आयलर कर लेते हैं, चलो आयलर ही कर लेते हैं, अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना आपको, तो कुछ भी करवा दो, आयलर थ्योरी ऑफ कॉलम्स, ठीक है, देखो चलो इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बच जाएंगे, टॉर्शन और स्ट्रेन एनर्जी, टॉर्शन और स्ट्रेन एनर्जी हम, अगर ये ख़त्म हो जाता है जल्दी तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी भी आज ही कर लेते हैं, क्या बोलते हो, बहुत कम क्वेश्चन है यार और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मस्त और सिंपल प्रॉब्लम है, देखते हैं आज ही कर लेंगे, नहीं तो टॉर्शन और वो कर लेंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉलम इज़ डबल्ड द क्रिटिकल लोड बिकम्स, देखो एक आइलर लोड का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी कंडीशंस के साथ कैसे कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है, आइलर क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एन,
एल स्क्वायर, ठीक है, आयलर लोड एन पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। एन का वैल्यू डिपेंड करता है, कंडीशंस बता देता हूँ कैसे कैसे कंडीशंस के लिए। बोथ अगर फिक्स्ड है, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो उसमें क्या हो जाता है वैल्यू, बोथ फिक्स्ड है तो फोर, वन सेकेंड यार, ठीक है ये ठीक है पहला वाला। दूसरा क्या है, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड फ्री, इसका क्या हो जाता है टू। बोथ हिंज्ड, इसका क्या हो जाता है, इनका वैल्यू वन, याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक हो जाता है फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड फ्री, ओहो सॉरी, अरे यार वन बाई फोर है, फिक्स्ड एंड हिंज ये होता है टू, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़रूरी है। एन का वैल्यू जैसे जैसी कंडीशन है वैसे वैसे फॉर्मूले में वैल्यू डाला, सिंपल उसने यही पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज डबल द क्रिटिकल लोड बिकम, लेंथ को डबल करोगे तो वन बाई फोर्थ हो जाएगा, यही उसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि बाई एल स्क्वायर है। तो क्या है, वन बाई एट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, सॉरी बी इसका आंसर। फॉर द केस ऑफ स्लेंडर कॉलम, क्या उसने देखो कंडीशन एन का वैल्यू क्या बोल दिया, बिल्ड इन एट इट्स बेस एंड फ्री एट द टॉप। बिल्ड इन मतलब फिक्स्ड है बेस में और फ्री है टॉप में, तो 1/4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। एन का वैल्यू 1/4 हो जाएगा बाई पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर तो है ही। अगला आ जाते हैं, अ पिन एंड कॉलम ऑफ लेंथ एल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एन सेकेंड मोमेंट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया आई लोडेड कॉन्सेंट्रिकली बाय अ कंप्रेसिव लोड पी, द क्रिटिकल बकलिंग लोड इज गिवन बाय, ठीक है। क्या बोला उसने कि पिंड है, दोनों साइड से पिंड कर रखे हैं, हिंज्ड है, दोनों जगह से हिंज्ड है, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर एन इक्वल टू वन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। द रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड विथ फ्लेक्चुअल रिजिडिटी ई आई इज हिंज्ड एट बोथ द एंड, हिंज कर रखा है बोथ एंड पे, फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स एफ इज इट एक्सपेक्टेड टू बकल, किस मिनिमम फोर्स पे ये बकल हो सकता है, ये हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा ये प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, दोनों जगह से हिंज दे रखा है और क्या बोल रखा है कि इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना है F, ठीक है, ये F है और ये एंगल कितना दे रखा है 45। देखो ये जो ये रॉड है ना, इस पर जो लोड लग रहा होगा P, या तो ऊपर से या नीचे से, जैसे भी कहीं से भी लगा दो, उसको बोलेंगे बाप फोर्स, क्योंकि वो रिजल्टेंट फोर्स है। उस फोर्स का कंपोनेंट ये F है, उसका कॉस कंपोनेंट ये F है, तो P cos 45 is equals to F, तो P जो हमारा फोर्स लगेगा क्या हो जाएगा, F बाई कॉस 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा रूट टू एफ, ठीक है, पी जो हमारा फोर्स लगेगा रूट टू एफ है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एफ के बराबर है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसका, क्या निकालना था, लोड निकालना है, मिनिमम फोर्स एफ, मिनिमम फोर्स एफ क्या होगी, ये पी हमने क्या निकाला था पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, एन वन है हमें पता है, तो पी क्या है हमारा रूट टू एफ इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, एफ इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर रूट टू, ठीक है, ये हमारा आंसर है, राइट, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा इंक प्रॉब्लम कर रही है उसका, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा, A column has a rectangular cross section of this and length इतना, the slenderness ratio of the column is closest to, slenderness ratio भी आपको बताता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है। slenderness ratio क्या होता है हमारा, basically slenderness ratio हमारे define किया जाता है इसलिए क्योंकि हम पता कर सके कि मतलब किसी भी beam का या column का उसको किस तरह से define किया जाएगा, short कॉलम, मीडियम कॉलम और लार्ज कॉलम, ठीक है, किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, उसको हमने डिफाइन करने के लिए तरीका निकाला जिसको बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई के, लेंथ बाई लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, एल बाई के स्लेंडरनेस रेशियो, इसको बोलते हैं एल बाई
एल बाय के, और के क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। एल एन है वैसे, और एल एन क्या होता है, एल बाय अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है, ऐसे निकालना, एल एन है, एल अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। तो के क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम बाय एरिया, ठीक है। अब आप पूछोगे आई मिनिमम क्यों लिया गया है, देखो आई मिनिमम इसलिए लिया जाता है ना, क्योंकि आई मिनिमम इसलिए लिया जाता है क्योंकि बकलिंग जो हम लेते हैं, देखो ये पी वाले में भी, पी में जो फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, आई मिनिमम भी लिया जाता है, इस वाले केस में भी आई मिनिमम लिया जाता है। आई मिनिमम इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कितना मिनिमम ऐसा लोड है जिसकी वजह से हमारे मटेरियल में बकलिंग हो जाए, ठीक है। तो ये मिनिमम वाले पे लिया जाएगा ना, आई मिनिमम जहाँ पे निकलेगा। अगर तुमने मैक्सिमम वाला कंसिडर कर लिया तो तुम बोलोगे कि 60 न्यूटन, 60 किलो न्यूटन में हमारा बकल करेगा, लेकिन मिनिमम वाले से निकल रहा वो 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन आपने लगाया, भैया चलो 25 लगा देता हूँ, 60 से कम है, लगने दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 10 किलो न्यूटन आपका मिनिमम पे निकल रहा है, वो बकल हो जाना, मतलब जिस एक्सेस के अबाउट आई जो है, जो आई जो मिनिमम होगा उस एक्सेस के अबाउट वो बकल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो चाहते नहीं ना कहीं पे भी बकल हो, हम ऐसे थोड़ी ना चाहते हैं कि जहाँ पे स्ट्रांग है वहीं से बचा रहे, हर जगह से बचा रहे, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, आई मिनिमम। समझे कि नहीं मेरी बात भैया, देखो मिनिमम पे जो होगा वो लोड मेरा मिनिमम निकलेगा, उतना ही मिनिमम लोड मैं लगा सकता हूँ उस मटेरियल पे, ठीक है, इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आई मिनिमम निकाला जाता है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है फॉर अ कॉलम, अगर ये कुछ ना दिया हो तो एन वन ले लेना, एल को एल ही रखना, ठीक है। तो एस कैसे निकलेगा, 1000 mm बाय के, के कैसे निकलेगा, उसने दे रखा है कि 10/20, ठीक है। आई मिनिमम, आई मिनिमम कैसे निकलेगा, 10 × 10³/10, ठीक है, आई बाई ए, तो ये कैसे निकलेगा, 12 × 20 × 10 डिवाइडेड बाय आंसर अंडर रूट, ये क्या आ गया, 2.88, 1000 डिवाइडेड बाय आंसर 346.41, ठीक है। स्लेंडर ना रेशियो है, रेशियो इसका कोई यूनिट नहीं है, सीधा इसका वैल्यू है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कैमरा का पोजीशन थोड़ा ख़राब हो गया ना, हाथों में बहुत लग रहा है। फॉर अ लॉन्ग स्लेंडर कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर द केस विद बोथ एंड क्लैम्ड बोले तो फिक्स्ड टू द केस विद बोथ एंड हिंज्ड, इसका 4 है आंसर, क्योंकि बोथ एंड क्लैम्ड में क्या होता है, 4 और हिंज्ड में डिवाइड बाई 1, तो 4:1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला आता है, कंसिडर अ स्टील यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200 GPa कॉलम हिंज्ड एट बोथ साइड्स, इफ हाइट इज इतना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन द लोएस्ट यूलर बकलिंग लोड क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूले में वैल्यूज को कैसे रखना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पी निकालना है हमको इसमें, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर हो जाएगा एन, ठीक है। इसने क्या बोला है, कंसिडर स्टील ई दे रखा है हिंज्ड एट बोथ साइड, एन इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो पाई स्क्वायर ई कितना दे रखा है, 200 × 10³, आई मिनिमम 20 × 10³ बाई 12 × L कितना है, 1000 स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, निकालते हैं कैलकुलेटर पे, दिख रहा है ना आपको क्लियरली, 12 × 1000 का स्क्वायर पाई आंसर इनटू पाई इनटू 200 × 1000 × 20 × 1000, ठीक है, 3289.86, तो मतलब इसका 3.2, यहाँ पे लिखते हैं 3.28 किलो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3.28। वैसे न्यूटन में पूछा है तो आप न्यूटन में भी निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एन इनिशियली स्ट्रेस फ्री मासलेस इलास्टिक बीम ऑफ लेंथ एल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायमीटर डी इज हेल्ड बिटवीन टू वॉल एज शोन इन द फिगर। अरे यार कमाल क्वेश्चन है, द बीम मटीरियल हैज यंग मॉडुलस ई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, 2017 में आया था 2 मार्क्स का, ठीक है। इफ द बीम इज स्लोली एंड यूनिफॉर्मली हीटेड द टेम्परेचर राइज इक्वल्स टू कॉज द बीम टू बकल इज प्रोपोर्शनल टू,
कमाल का क्वेश्चन है। जो हमको क्या बोला है इसने कि एक तो भैया थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से जो है लोड लगेगा इसमें, स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उसको कंप्रेस करेगा, मतलब बकलिंग लगेगी, तो वो बकलिंग से जो लोड प्रोड्यूस होगा, मतलब बकलिंग से जो लोड होगा उस लोड से हम स्ट्रेस निकालेंगे, उस स्ट्रेस को इस थर्मल स्ट्रेस से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद निकालेंगे कि तुम्हारा जो टेम्परेचर राइज है वो उसके डायमीटर के कितने, किस किस उसके डिग्री पावर पावर कितने के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अरे कमाल है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, करके बताता हूँ, क्या पता समझ आ जाए भाई, ठीक है। ये दो वॉल है, ठीक है, ये बीम है, इसका लेंथ एल है, डायामीटर डी है। अब इसने क्या बोला भैया, इसको हमने थर्मल एक्सपेंशन दिया, तो सिग्मा थर्मल, आप मैंने आपको बताया था शुरू में, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, अल्फा टी ई, ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन है, तो उसको कैसे लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया जो लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स थर्मल कितना है, अल्फा टी ए ई। अब हमारा कंप्रेसिव लोड आइलर बकलिंग लोड कितना हो जाता है, पाई स्क्वायर, और ए कमाल की बात तो ये है भैया, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। देखो एन का वैसे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन लिखना ज़रूरी यहाँ पे, फोर पाई स्क्वायर ई, अरे यार आई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, पी अभी तो ठीक किया था ये, थोड़ा सा लोचा हो गया इसमें कलर में, ठीक है, तो इन दोनों लोड्स को इक्वल कर दीजिए, अल्फा टी ए ई इज इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर ई आई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, तो जहाँ पे डायमीटर इन्वॉल्व होता है वो सारे के सारे कंसिडर कर लो, डेल्टा टी को वहीं रखो, ए को क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर, ठीक है, इन इन सब में नहीं होता, आई में क्या होता है, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, तो उसका डी टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो डी टू द पावर 8, ठीक है, तो मतलब प्रोपोर्शनल ले लो, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 6, 6 हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, अरे यार मैं भी पागल हूँ, क्या हो गया है भाई मेरे को, क्या हुआ है कुछ बता सकते हो, लवेरिया वेरिया तो नहीं हो गया मेरे को, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टैकल कर रहा हूँ, ठीक है, पाई 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर है, मैंने आई स्क्वायर कर दिया था, देखो यहाँ पे बेवकूफ़ी कर रखी है, आई स्क्वायर तो डी टू द पावर 8 ही ले लिया मैंने, तो आई क्या होगा, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, तो डी टू द पावर 4 डी स्क्वायर, यहाँ पे इसके डिवाइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर है, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। इतनी क्लास करते हैं, थोड़ा पेन भी स्लो हो गया है, मतलब स्लो मतलब इसका कलर निकल रहा है, तो कल दूसरे नए मार्कर के साथ, नई क्लास के साथ मिलते हैं, और शेयर कीजिएगा ज़रूर, बाकी कल ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे हम कुछ और, मशीन डिज़ाइन या टोम थ्योरी ऑफ मशीन्स वो शुरू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे, या तो थर्मोडाइनेमिक जो भी है सब कुछ करना ही है यार हमको, ठीक है, ओके, थैंक यू, शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू गाइज़।